कैसे शुरुआत होती है, तो लखनऊ में हमारे जो महोत्सव हैं, जो कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मेला वो शुरू हो जाता है, फेस्टिवल्स, लखनऊ फेस्टिवल्स, एग्जैक्टली दैट इज द राइट वर्ड। सो अभी हम चलेंगे उत्तराखंडी लखनऊ में, वहाँ होती है पार्किंग उत्तराखंडी जो मेला लगा हुआ है, यहाँ पे अपने बाइक खड़ी कर सकते हैं, इधर अगर आप कार से आ रहे हैं तो कार से आ रहे हैं। तो हाय, कैसे हैं आप, हो बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन है, दिन तो नहीं है लेकिन शाम है, और एक नया ब्लॉग है। हम हैं अभी उत्तराखंडी जो है वो मैं आपको मेला दिखाने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, ब्लॉग पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर देना। रिमेंबरिंग दिस थिंग व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो इस तरीके की चीज़ें बिकती आती थी और आई वाज सो मच एक्साइटेड, मैं सोचता था कि उन पैसों में क्या खरीदूं। कुछ इस तरीके का माहौल ये देखकर मेरी जो है बचपन मुझे जो है याद आ गया। एंड लुक एट दैट, बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कहीं कोई मेला होता है तो वहाँ पे कालीन बहुत जो है, कालीन नहीं कहूँगा, बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। तो दिस इज कालीन, पूछो प्राइस क्या है। प्राइस भैया इसका क्या प्राइस है? 3500 तो सस्ती है, सस्ता है ना यार। और ये वाला कितने का है? ब्लू वाले का क्या प्राइस है? 5000 का है। This is the कालीन। तो यहाँ पर जिधर भी हम नजर डालेंगे ना, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चीजें नजर ही आएंगी। Look at this, look at the people, how much people are here। And देखिए यहाँ पर कोई विंटर का सेल है तो उसके लिए भी लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं। इनका क्या विंटर के कपड़ों की क्या सीन है, क्यों इतनी सेल मची है, पता करो जरा। They are used, so they are used clothes, but offer है। So that's why, वहाँ पर लोग हैं बहुत ज़्यादा। मैं बनारसी पान। अचार की दुकान की बात करें हम तो दो लॉट्स ऑफ अचार वैरायटीज। ये ठीक का अचार है, वो नेत्रों कट्टा उसको तो समझ में आ रहा है। अचार को देख के मुँह में पानी आता है, ऐसा तो है मेरे साथ। There are lots of rush here, और हम कहीं भी नज़र डाल रहे हैं यहाँ पर हर तरफ कुछ ना कुछ आपको नज़र ही आएगा डिफरेंट। दिस इज पूजा के सामान, यानी आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो देखें यहाँ उसका भी ख्याल किया गया है, उससे रिलेटेड यानी सीधा उत्तराखंड की चीज़ें जो है यहाँ पर मिल रही हैं। 100 रुपये का है, कितने का? 900। बहुत अच्छा 900 वाला यार, इसका कोई डिस्काउंट नहीं भैया? सब 900 में दिस डिस्काउंट नहीं है कुछ इसमें? अरे पूरा खोलो देखो क्या है, वूलन मतलब तो 900 रुपए का गिले ले ले। ये बना बनाया गरम सूट है, कैसे दे रहे हैं ये? ये कितने का है भैया? कितने ये वाला? नीचे सलवार भी है इसके? बस यही। छोटा सा ब्लॉग हम रखते हैं यार, अब मैं आपको पर्टिकुलर एक एक दुकान पे जाके मैं आपको क्या ही दिखाऊं। बस यहाँ पर जैसे कि एक मेला है तो यहाँ पर विंटर के कपड़े, कॉस्ट्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें, घर गृहस्थी के सामान, मोस्टली यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड सामान है तो वो आप देख सकते हैं। बुक के भी सेल लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, उत्तराखंड का रियल चीज़ें हैं ये, वहाँ पर मैंने देखा हुआ है यार, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के टीवी पे देखते हैं ना ये सारे, देखो वहाँ पे वैसे मंगलसूत्र पहनते हैं ये वाली सारी चीज़ें, ये ड्रेसेस भी वहीं के हैं सारे, ड्रेसेस सारे वहीं के ड्रेसेस, ये ज्वेलरीज हैं उत्तराखंड के। जो चीज चाहिए उसको रिंग में और उस तरह से जब आप पूरा मनोरंजन कर लेंगे, शॉपिंग को मैं जो कह रहा हूँ वो करने के बाद
आपको अगर भूख लगती है तो आप ये साइड यानी से आप जहाँ से एंट्री करते हैं ना वहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी वैरायटी है खाने की, तो वो आपको इस तरफ मिलेगी। सो आप आकर यहाँ पर अगर पेट पूजा करना है तो आप वो कर सकते हैं। देख लें यहाँ तक कि यहाँ तक वो लगे हुए हैं सारी इनके शॉप्स खाने पीने के, और लोगों को देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। आज का वीडियो आपको कैसे लगा जरूर मुझे बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ यार, मुझे इस तरीके के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बट मुझे ब्लॉग के जरिए आपको बताना था कि लखनऊ में एक इस तरीके का एक कार्निवल चल रहा है, एक इन्जॉयमेंट चल रहा है, एक महोत्सव चल रहा है, एक मेला चल रहा है, तो बस इसलिए मैं यहाँ पर आया बिकॉज ऑफ दैट। और ये उत्तराखंडी महोत्सव 2022 है, और अभी जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको एक फ़न करना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ मुख्तलिफ करना है, खाना है, पीना है, इन्जॉयमेंट करना है, देन यू शुड कम हियर, एंड आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि डिफरेंट चीज़ है, लोग बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बस यही था छोटा सा आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और मैं आपको बता दूँ आना कहाँ है आपको, आपको ना हनुमान सेतु जो मंदिर है वो उसके बैक साइड पे ये है, आपको आना पड़ेगा। सो हनुमान सेतु मंदिर जब आप आएँ तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े बैनर दिख जाएंगे ऐसे उत्तराखंडी महोत्सव लिखा हुआ। सो फिर मिलेंगे बहुत जल्द, टेक केयर एंड बाय। ऐसे भी इतना थका हुआ था मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं था यहाँ जाने के लिए, ये सुलेमान मुझसे कहने लगा नहीं नहीं चलो चलो मेला लगा हुआ है, मेला देखेंगे मेला देखेंगे। आई वाज सो मच टायर्ड, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग यार, मतलब ठीक है बस वही वही चीज़ें, कुछ डिफरेंट क्या है वही। तुम खुश हो गए यहाँ आकर, मिल गया लड्डू पीड़ा तुमको, कह रहे थे मत चलो मत चलो, कह रहे थे चलो चलो। अच्छा फिलहाल हम तो चल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं बैठे बैठे, हम यहाँ तक जहमत करें। अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए सो यू कम एंड एंजॉय हियर, अदरवाइज घर पे रहो, ठीक है, फर्जी है यार।